नमस्कार अमरम, सभी एस्पिरेंट्स को कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सब कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। देखो, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है जिससे आप डीमोटिवेट हो और मोटिवेट भी हो, क्योंकि वो मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट नहीं होता है भाई। सबसे पहले बात तो आपको लाइन ये बता दूं कि किसी के मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट होता होगा, लेकिन 5-10 मिनट के लिए होता है। और मोटिवेट की आवश्यकता उसको होती है जिसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। जो इंसान ये सोचता है ना कि मुझे खुद मुझे करना है ये काम या मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो वो खुद अंदर से डेडिकेटेड होना चाहिए उस चीज़ के लिए। प्रिपरेशन के लिए खुद अंदर से डेडिकेटेड होगा ना, तभी वो एनी टाइम मोटिवेट रहेगा। किसी के मोटिवेशन करने से 5 मिनट मोटिवेट रहोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। बाकी आप लोगों की सोच है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे भाई, आप सभी का प्यार मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जैसे मैं बयां कर सकूँ कि हाँ, आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है मुझे, उसके लिए थैंक यू दिल से। अब अपन आज सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि एक तो आचार संहिता लग रही है 1 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के लगभग। एक जो मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैंने उस पर एक वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना। उसमें सीधा सीधा ये बता रखा है कि भाई 1 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले कोई भी काम करना आसान नहीं है। एक बार देखना, ट्विटर अकाउंट की लिंक दे दूंगा नीचे में, एक बार जाके देख लेना। आप फॉलो करो ना करो आपकी इच्छा है, लेकिन आप देख लेना मेरे भाई, वीडियो वहाँ डाल रखा है। ऐसे वीडियो टेलीग्राम पे नहीं डाल सकते, इश्यू हो सकता है। ओके, तो आचार संहिता में कुल मिला के 30 से 35 दिन है, हम मान सकते हैं अनुमानित 30 से 35 दिन है। तो क्या उसमें वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ सकता है? आज बहुत ही अच्छा मुद्दे पे बात करेंगे अपन। आज मैं माफी चाहता हूँ, 10 मिनट आपके लेना चाहता हूँ मैं, 10 मिनट 2x में सुन लो, लेकिन सुनना जरूर इस वीडियो को, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आचार संहिता 30 से 35 दिन के बाद लग जाएगी, तो उसमें नया नोटिफिकेशन आने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, वैकेंसी जो भी आने वाली होगी तो इस माह में आ जाएगी। इस माह का मतलब सितंबर माह में वैकेंसी आ जाएगी। ओके, और भी कोई वैकेंसी, देखो नई वैकेंसी है, ASI की नई वैकेंसी है, उसमें पूर्ण हर चीज़ का संशोधन नई वैकेंसी के अनुसार होता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। RSC की वैकेंसी लगातार आती जा रही है, पहले से भी आती थी, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर निकालने चाहिए सरकार तो निकाल देगी, वो बातें अलग है। ओके, वैकेंसीज की बात ये कि वैकेंसी आएगी तब आप प्रिपरेशन करोगे, ये बहुत गलत बात है। पहले से आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। ASI का सिलेबस नहीं आया है, RISF का सिलेबस नहीं आया है, तो राजस्थान जीके तो उसमें पूछेंगे ना, उसकी तैयारी कर लो। आपको कहीं कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, एक बार आप राजस्थान जीके वगैरह RSC की तैयारी कर लो, दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर लो, ताकि अच्छा रहेगा। ओके, वैकेंसी जब भी आनी होगी आ जाएगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप उसमें सब कुछ हो जाएगा भाई। अब आचार संहिता लगने वाली है 1 अक्टूबर को, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ट्विटर वाला 18 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो, वो देख लीजिएगा। अब मेन बात क्या हुई कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। अब चुनावों के नजदीक में मुझे ये बात, मतलब कल से ये माइंड में किरकिराहट हो रही है कि यार जब इलेक्शन पास आते हैं, 4.5 साल तक जो भी पार्टी होती है, जनता का, किसानों का, सारा जनता में सारे लोग आ गए, उनका खून चूस लेती है 4.5 साल तक। तो महंगाई की मार पटकती है, इकोनॉमी में मार पटकती है, हर चीज में धनाधम मार पटकती है भाई। महंगाई इतनी हो गई, वैकेंसी इतनी निकाली नहीं। अब इलेक्शन से 5-6 महीने पहले तकरीबन मान लो 4.5 साल तो मजे से खून चूस लेंगे, उसके बाद में ये देंगे लॉलीपॉप, चुसा देंगे कि हाँ ठीक है, आपको 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया, 400 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया, आपको ये चीज़ फ्री में दे दी। फ्री में तो कुछ मिलता है नहीं है, ये तो जिनको, जो पागल बनते हैं उनको पागल बनाया जाता है, और बनाना भी चाहिए उनको। मेरे अकॉर्डिंग देखो ना, तो उनको बनाना भी चाहिए पागल। क्यों? क्योंकि देखो वो पहले से ही पागल है, मूर्ख है वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई अपने को फ्री दे रहा है तो किस अकॉर्डिंग दे रहा है। 4.5 साल तो अच्छे खासे लूट लो, फिर 6 महीने में उनको वही चीज वापस दे दो, तो उसे बेनिफिट तो कहाँ हुआ, गरीबी कहाँ कम हुई उसमें भाई। आप खुद में मेरे से ज्यादा सीनियर मेरे वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी एस्पिरेंट है
वो मेरे से सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई कोई मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कोई को कम होगा, सभी को समांतर तो नहीं होता, लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि ये कौन सा मत हुआ कि आप जब इलेक्शन होता है उससे पहले 100-200 रुपए की छूट दे के महिलाओं को वो दे दिया, महिलाओं को वो दे दिया, इस नाम पे आप ये करते। तो मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं जो आप सभी एजुकेटेड बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको बस मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, वो बात उजागर करना चाहता हूं बस। अब गवर्नमेंट राजस्थान में फूड पैकेटिंग का दे रहे हैं कि ठीक है फ्री मिल रहा आपको राशन, ठीक है मान गए फ्री मिल रहा है, तो इतने दिन महान पुरुष आप कहां दे, योजनाएं अच्छी ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जरूरत किस चीज की है वो देखो। राजस्थान में कहीं कोई से भी स्टेट में आप देख लो कितने कितने क्राइम हो रहे हैं। मैंने आज टेलीग्राम में पोल क्रिएट करवाया तो आप सभी ने देखा होगा, वो न्यूज भी देखी होगी, क्योंकि मेन बात ये है ना भाई, सिस्टम ही गड़बड़ है। जब मेन जड़ में दिक्कत होती है ना तो पेड़ तो हिलेगा ही ना, पेड़ कहां से मजबूत होगा ऊपर से जब उसकी जड़ ही कटती जा रही है नीचे से। एक्सपीरियंस हो आपके पास में, एक्सपीरियंस है जानते हो आप, लेकिन जब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा तब तक आप ही कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और करवाने वाले भी हम ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? जब ये लोकसभा के विधानसभा के चुनाव आते हैं तभी ऐसा क्यों करते हैं भाई? कितनी गरीबी है, गरीबी के लिए आप उनके लिए एक निरंतर एक स्थायित्व का काम कीजिए ना, क्या दिक्कत? ये 2-4 महीने का फूड पैकेट देख के क्या होगा उसे? ठीक है मान लिया आपने दे दिया, लेकिन 4.5 महीने तो आपने खून चूस लिया ना किसानों का, जितने भी आवाम है उसका चूस लिया ना, बाकी क्या रह गया फिर? जल्दी से रिकॉल कीजिए इस बात को, कमेंट बॉक्स में लिखना अभी आपको कमेंट में ये चीज। अब धड़ाधड़ वैकेंसी निकाल देंगे, पहले क्या कर रहे थे? आज कितने ही लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको बंद कीजिए, नशा पत्ते को बंद कीजिए। आप जहां पर भी लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, मुझे पता होता है कि वहां चाय की अगर टपरी है ना पास में, तो उसमें कितने ही कैंडिडेट वहां स्मोकिंग करते हुए पाए जाते हैं, उनको बंद कीजिए, शराब को बंद कीजिए, उन पे लगाम लगाइए। नहीं रे, उन पे थोड़ा लगाना, उन पे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा फिर? समझने योग्य बात है भाई, सारी बातें यही है। मैं आपको मुख्य बात ये समझाना चाहता हूं, आप जिस भी मतलब कोई भी काम करते हो ना, तो उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में सोचना चाहिए। ऐसे तो आप मुद्दे बहुत उठा लेते हो ना भाई, बुरा मत मानना बात को। कोचिंग वाले वो आज ये दुकान खोल दी, आज ये दुकान चला रहे हैं अपनी, तो अपना ये कोर्स बेच रहे हैं। एक बात बताओ, कोचिंग वाले जब कोई भी कोचिंग वाला होता है, मैं कोई पर्टिकुलर कोचिंग वाला नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी एक कोचिंग वाला होता है ना, तो उसका आप ये देखो इन्वेस्ट कितना हो रहा है, अपने घर से कैसे लगा पाएगा वो? कोई भी एक कोचिंग वाला है उसको मतलब टीचर को सैलरी भी देनी पड़ती है, लाइट पानी बिजली रेंट सारा कुछ देना पड़ता है, वहां पे खर्चा भी होता है ना। तो ये तो आप जल्द बोल देते हो कि यार आप तो अपनी दुकान चला रहे हो, किसी भी कोचिंग वाले के बारे में आप बोल देते हो। मैंने अक्सर बहुत बार सुना ये चीज, ये नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उनके भी खर्चा होता है भाई। ये ना एक इकोनॉमिक जोन है भाई, जिसमें ये जो आय है ना, ये पैसा, ये पंचभूतों से भी सबसे ताकतवर है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, इसलिए कोचिंग वालों के बारे में ऐसा मत बोला करो आप, वो अपनी तरफ से मेहनत। हाँ जो हाई रेट रखते हैं ना उनके बारे में बोलो, क्या दिक्कत है भाई? 1 के 10 ले रहे हैं, उनको 1000 बार बोलो। तो आप ये सरकार को भी मुद्दा उठा, सरकार के विपक्ष में आपको बोलना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज आप क्यों कर रहे हो, गलत तो गलत। सिलेंडर पूरी साल, पूरे 4 साल 5 साल महंगाई के स्तर पर बढ़ता गया, और अब क्या महंगाई कम हो गई? ऑटोमेटिक ही होती है क्या ये? दिमाग लगाना एक बार जरा इस बात पे, ऑटोमेटिक ही होती है क्या? नहीं होती है भाई। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव आते हैं वैसे वैसे सारे जो जितने भी सदस्य कार्यकर्ता जो भी है ना, वो अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं, और अपन जो स्टूडेंट है ना वो एक ही चीज देखता है कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, ये बातें देखता है।
कुछ भी नहीं देखता है। ये चीजें सोचने वाक्य योग्य है आप सभी के लिए, सोचना इन बातों के बारे में। आप कमेंट करते हो तो उन लोगों के खिलाफ कीजिए जो सिस्टम के खोखला कर रहे हैं सिस्टम को। भाई जो इस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ आप प्रदर्शन कीजिए, उनके खिलाफ आप कमेंट कीजिए। यार गुरुजनों के कमेंट करके आपको क्या ही मिल जाएगा? कोई कमेंट देखता नहीं है, लेकिन आप गुरुजनों के कमेंट करके क्या ही मिल जाएगा? कोई तो उसका महत्व नहीं है। आप उन लोगों को कीजिए जो लोग इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बात समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज तक की मैंने यही चीज आपको बताई है कि एक बार सिस्टम को खोखला होने से बचाइए। आप सभी की राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, और वीडियो आप देख लेना, लिंक आपको ट्विटर की मिल जाएगी, उसमें बोल रखा है कि भाई हाँ इतने जल्दी में कैसे हो जाएगा, पता है हमको भी पता है तो नहीं होगा, दिख रहा है, लेकिन ठीक है आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। जैसे ही कैलेंडर भी आ जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसमें भर्तियाँ किस हिसाब से होती है वो मालूम पड़ जाएगा दोस्त। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्त। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत करता है मुझे। ओके मेरे भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।